नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज इन YDSA एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 मिलीमीटर अपार्ट एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 12,000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम. सो एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न कॉन्साइड विद अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर. नाउ बहुत सिंपल सवाल है, यहाँ पे दो वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं. इस तरह से मैं आपको दोनों तरह से बताता हूँ कैसे करना है इसको. सो दोनों वैरायटी के सवाल कैसे सॉल्व करने विल टॉक अबाउट दैट. सो सिंपल सवाल है यहाँ पे कि आपका डिस्टेंस जो है 2 मिलीमीटर अपार्ट है. आपकी YDSA सेटअप पहले बना लेते हैं. सो ये आपका YDSA सेटअप है. यहाँ पे आपके जो दो स्लिट्स हैं S1 S2 उन दोनों के बीच में छोटा d डिस्टेंस है और स्क्रीन और इसके बीच में कैपिटल डी डिस्टेंस है. पहले आप लैम्डा 1 यूज़ कर रहे हैं, फिर आप लैम्डा 2 यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमने इसके पैटर्न जब स्क्रीन पे नोटिस किए तो हमने कहा लेट अस से nth n1 मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद n2 मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2. राइट. सो इस केस में हम भी कह सकते हैं कि n1 जो है इसका मान लो 5वां मैक्सिमा उसके 12वें मैक्सिमा के साथ और वट एवर द नंबर इज कॉन्साइड कर रहा है. ठीक है. सो इस केस में जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, इसमें दो वैरायटी के सवाल होते हैं. पहला तो ये होता है जहाँ से n1 और n2 का रेशो या इनकी वैल्यू पूछते हैं कि n1 कौन से वाला इसका मैक्सिमा कौन से उसके मैक्सिमा के साथ कॉन्साइड करेगा. यहाँ पे वो तो पूछा ही है, वो तो हमें निकालना ही है. उसके अलावा हमसे एक और स्टेप आगे पूछ लिया गया है कि कौन सी जगह पे जाके, हमें ये पूछ लिया गया है कि किस लोकेशन पे जाके इसका n1 मैक्सिमा इसके n2 मैक्सिमा के साथ कॉन्साइड कर रहा होगा. फर्स्ट टाइम हमें बताना है कि कब ये रिलेशन होएगा. नाउ यहाँ पे हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. वो फॉर्मूला पहले यूज़ कर लेते हैं फिर मैं आपको बताऊँगा फॉर्मूला आया कैसे. डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं n1 लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2. ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके इसका वैल्यू पता चल जाएगी अपने को. सो n1 और n2 अपने लिए अननोन है तो हम लिख सकते हैं n1 डिवाइड बाय n2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 और लैम्डा 2 जो है वो अपने को दिया हुआ है 12,000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 है अपना 10,000 एंगस्ट्रॉम. राइट. तो ये हो गया 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000. सो ये सब करने के बाद ये बचाएगा 6/5. यानी कि अगर हम इनकी मिनिमम वैल्यू लें तो n1 हो गया 6 और n2 हो गया 5. तो इससे हमारा ये साबित हो गया कि n1 जो है 10,000 वाले का 6th मैक्सिमा कॉन्साइड्स विद n2 जो है आपका 5th मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 ऑफ लैम्डा 2. ये आपकी कहानी यहाँ पे आ गई. अब हमें ये पहले सवाल कर लेते हैं फिर ये देख लेते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे. अब हमें बताना है कि इसकी लोकेशन क्या होगी कि कहाँ पे जाके वाई पे किस लोकेशन पे ये अपना कॉन्साइड्स हो रहे हैं. तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे लोकेशन वाई विल बी इक्वल टू n1 बीटा. बीटा है आपकी बीटा 1 लिख लेते हैं. बीटा 1 है आपकी इसकी मैक्सिमा इसके फ्रिंज विड्थ. ठीक है. सो ये हो गया n1 यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 आपकी फ्रिंज विड्थ किसी भी उसकी हम लिखते हैं लैम्डा डी बाय डी. तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 1 कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. वैल्यू रख लेंगे तो आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 1 जो है अपना ये है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय डी. डी अपने को दिया हुआ है 2 मीटर और डिवाइडेड बाय स्मॉल डी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर. बहुत ही सिंपल 2 मिलीमीटर. अच्छा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम भी है तो 10^-10 भी आएगा इसका 10,000 का (-3). सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये 6 बचेगा. सो दिस विल बी 6 और 10 की पावर देख लेते हैं. इसके बाद ये 10 से नीचे 3 है 7 रह गया. 6, 5, 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10^-3. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं 6 मिलीमीटर ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर. नाउ एक बार ये चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से. सो हम ये कह रहे हैं कि लेट हमने कहा कि nth मैक्सिमा n1 मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कॉन्साइड्स विद n2 ऑफ लैम्डा 2. तो इसका मतलब ये होगा कि n1 बीटा 1 विल बी इक्वल टू n2 बीटा 2. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा n1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 आया आपका लैम्डा 1 डी डिवाइडेड बाय डी विल बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2 डी बाय डी
और अगेन डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, सो आपका आ गया एन वन लैम्डा वन विल बी इक्वल टू एन टू लैम्डा टू। और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने रिजल्ट निकाला है, कभी भूल भी जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा। राइट, सो विद दैट वी कैन से ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर।